वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, आज मैं जो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो दिल्ली वायलेंस से जुड़ी हुई है, जो 26 जनवरी वाले दिन जो काला इतिहास बन गया, हमारा एक गणतंत्र दिवस दूषित हो गया, उसके बारे में है कि यह कैसे हुआ, ऐसा कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, कैसी गंदी राजनीति है जो हमारे उन अन्नदाताओं के खिलाफ चलाई जा रही है, उन किसान भाइयों के खिलाफ चलाई जा रही है, की वजह से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच पाई थी। लेकिन वह अर्थव्यवस्था भी, उसकी जो अपनी जो जीडीपी है, वह भी डगमगा गई है, बहुत नीचे तक आ गई है। सर, इस सब की वजह कौन है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। जो मैं ये क्लिप आपको दिखाऊंगा, ये उस क्लिप से यह डिसाइड हो जाएगा और आप क्लियर कट यह डिसाइड करने लायक हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि किसने यह बैलेंस करवाई, कौन किसान भाइयों के आंदोलन को दबाना चाहता है, किसको इससे सबसे ज़्यादा फायदा है। आपको यह सारी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो भाइयों, चलो देखते हैं। जय हिंद। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की मैं अपनी खुद की कहानी बताऊं? स्वतंत्र लोकतंत्र के किसी भी उत्सुक नागरिक की तरह मैं भी सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी और जो उत्साहपूर्ण माहौल था वैसा मेरी आंखों ने बचपन में समझ आने से लेकर और अब तक नहीं देखा था। क्रांति के सुंदर गाने, कतार में लगकर चाय और रोटी लेते हुए हर जाति और धर्म के लोग, मेरे देश का चलता फिरता रंग बिरंगा लोकतंत्र वहां पूरे उठान पर था। सब मुस्कुरा रहे थे, भीड़ में धक्का मुक्की तक नहीं थी, एक अनरिटन डिसिप्लिन था सबके अंदर, ना कोई राग, ना द्वेष और ना आक्रोश, बस सबकी आंखों में एक अलौकिक आनंद और उम्मीद थी। जिसने भी वो आलम देखा बस अभिभूत होकर देखता ही रह गया था। मन तब और भी भावुक हो उठा जब रैली शुरू होने के समय यानी 11 बजे के बाद से सड़क के दोनों तरफ के घरों से महिलाएं, पुरुष और बच्चे निकलकर ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठे लोगों को सल्यूट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे राजपथ पर करते हैं। हमारा भारत उस समय वहीं खड़ा था, खुद पर शायद गर्व भी कर रहा था। कुछ उत्साही लोग दोनों तरफ पीने का पानी और फूल लेकर खड़े थे, पानी पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे। माहौल में गेंदे और गुलाबों की खुशबू थी और मैं भाई दिलदीप का तिरंगा लहराता ट्रैक्टर चलाते हुए पत्रकार फ्रेंड मयंक, जुलेखा और विशेष के साथ बात करती जा रही थी। पूरा रास्ता खुला हुआ था और हमारे आगे चल रहे कुछ ट्रैक्टर्स के अलावा रास्ता खाली भी मिल रहा था। बस तभी मयंक ने अपने लाइव कवरेज में कहा कि हम दिल्ली की सीमा के अंदर आ चुके हैं। और लगभग उसी समय दिलदीप को कोई फोन आया और उसने बात करने के बाद मुझसे कहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने ट्रैक्टर साइड में लगाया और फिर रिवर्स में लेकर हम कट तक पहुंचे और वहां से फ्लाईओवर के नीचे आकर वापस गाजीपुर बॉर्डर की ओर यू टर्न लिया। लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानते हैं हमने क्या देखा? पुलिस ने लौटने के रास्ते पर डीटीसी की दो बसेस लगाकर रास्ता रोक रखा था, यानी कि गलत रास्ते की ओर जाते समय कोई बैरिकेड्स नहीं थे और सही रास्ते पर मुड़ने ना देने के लिए रास्ता रोका हुआ था। हम तो दिल्ली के बारे में जानते थे तो जल्दी लौट लिए, लेकिन जो किसान दिल्ली इसी परेड के लिए आए थे उनसे चूक होना लाजमी था और दिल्ली पुलिस का कोई इंडिकेटर या मार्गदर्शन था ही नहीं। इस आपबीती को आज कहना इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि यह सिर्फ एक समझा बूझा ट्रैप था किसान आंदोलन को तोड़ने का, और किसानों का दुर्भाग्य कि वे इस ट्रैप में फंस भी गए, यानी इस बार तथाकथित चाणक्यों की साजिश कामयाब रही। इसमें पुलिस ने तो किसानों से अंडरटेकिंग ली थी, लेकिन अपनी तरफ से पुलिस की मार्ग में क्या व्यवस्था रहेगी इसका कोई कमिटमेंट जाहिर तौर पर ना तो देखने में आया, ना एक नक्शे के अलावा कोई और दस्तावेज प्रचारित या पब्लिश हुआ। बहरहाल, लाल किले की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो गई है, लेकिन इसकी साजिश करने वालों ने देश की अस्मिता के बारे में तो सोचा ही नहीं। उनका लक्ष्य ही किसान को देश की नजरों में नीचा दिखाना था और आंदोलन को एक बारगी जैसे कुचलना था, और कम से कम प्रथम दृष्टया वे इसमें कामयाब हुए भी दिखते हैं। यानी लोकतंत्र में एक बार फिर एक षड्यंत्र हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ,
लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ और इतिहास में एक गणतंत्र दिवस दूषित हो गया। किसान के कंधे से बंदूक भी चल गई और किसान ही घायल भी हो गया। इस तरह की साजिशें आज लोकतंत्र में निहत्थे का शिकार करवा रही हैं और हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हो सके तो इस पहलू पर भी विचार कर लें। मुझे यकीन है आप विचार भी कर सकेंगे और दिल में कहीं विश्वास भी होगा इस सच पर। बस सिर्फ 3 दिन अगर सुबह थोक में आने वाली बीजेपी की आईटी सेल की पोस्ट ना पढ़ें तो पूरा सच भी देख पाएंगे हम और आप। आखिर हम सब इसी मिट्टी के लोग हैं, इसी गंगा जमुनी तहजीब ने हमें पाला है, हम कर पाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी। तो दोस्तों यह वीडियो आपने देखी, आप इससे खुद ही डिसाइड कर पाएंगे और आप इस वीडियो को कई सोशल साइट्स पर देख पाएंगे। यह वीडियो बहुत वायरल हो रही है। यह वीडियो मुझे सीधी गाजीपुर बॉर्डर से मिली और वहां से मुझे एक लड़के ने यह वीडियो दी। तो आप इसे खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, कौन लोग किसान भाइयों के खिलाफ ये गंदी राजनीति चला रहे हैं। उन्होंने राजनीति को इतना मतलब गंदा कर रखा है, यह राजनीतिक सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने इस राजनीति को इतना गंदा कर रखा है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, एक कुर्सी के लिए कुछ भी कितने भी लोगों की बलि चढ़ा देते हैं। और तानाशाही करने के लिए उन्होंने यह बिल लाया जिससे किसान भाइयों की जमीन छिन जाएगी और बहुत से उनके जो आमदनी के सोर्स हैं वह कम हो जाएंगे। इस बिल से आगे जाकर ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे मुद्दे उठेंगे, इसलिए किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आपने जो यह वीडियो देखी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, आप इस वीडियो से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। जय हिंद जय भारत।